नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया एक मामले में आगरा कोर्ट में दोषी पाए गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा 147 और धारा 323 के तहत दोषी करार दिया है। बीजेपी सांसद पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया है। ऐसे में रामशंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके बाद बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं आगे अपील करूंगा। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तरह क्या बीजेपी सांसद की भी संसद सदस्यता 24 घंटे में छीनी जाएगी। प्रदीप सिंह बाघेला ने गुजरात भाजपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में 2024 को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा को झटका लगा है। इस मुद्दे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भाजपा जल्द ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेगी। प्रदीप सिंह बाघेला गुजरात भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के बाद दूसरे ताकतवर नेता हैं। उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब दक्षिण गुजरात में गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के खिलाफ कथित विद्रोह चल रहा है। पार्टी के विभिन्न नेताओं को विभागों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पाटिल को बदनाम करने के आरोप में इस सप्ताह की शुरुआत में सूरत अपराध शाखा ने दक्षिण गुजरात के 3 पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारियां 84 निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक संदीप देसाई द्वारा दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी के बाद हुई। ये दूसरा अवसर है जब किसी पार्टी महासचिव ने पाटिल के नेतृत्व में राज्य संगठन में एक शक्तिशाली पद खो दिया है। इससे पहले इसी साल अप्रैल में महासचिव भार्गव भट्ट को पार्टी आलाकमान ने शीर्ष पद से हटा दिया था। पद अभी भी खाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनकी सदस्यता बहाल करने की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता ने ओम बिरला से मिलने का समय भी मांगा था। राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की थी। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जितनी तेजी से राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, उसी तेजी से उन्हें दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कल रात अध्यक्ष को फोन किया था। स्पीकर ने मुझे महासचिव से बात करने और दस्तावेज उनके कार्यालय में जमा करने के लिए कहा। मैंने महासचिव को फोन किया, जिन्होंने कहा कि उनका कार्यालय आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा और मैंने पत्र डाक से भेज दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस पूरी तरह से गलत दोषसिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए 26 घंटे बीत चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है? एक और जहां विपक्ष गठबंधन बना रहा है, उसमें अभी तक पीएम के फेस का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस में पीएम फेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और वही देश में एकमात्र नेता है जो प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। मोदी सरनेम मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के तुरंत बाद अशोक गहलोत ने ये टिप्पणी की। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अधिकृत रूप से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, इस पर गहलोत ने कहा कि हमारे लिए तो राहुल गांधी चेहरा है रहेंगे, बाकी आलाकमान जाने और आगे देखते हैं क्या होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट को बाबरी मस्जिद से जोड़कर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक बार जब ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। आशा है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर दोहराया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का अनादर नहीं किया जाना चाहिए। आशा ये है कि 1000 बाबरियों यानी कि बाबरी मस्जिद के लिए रास्ते नहीं खोले जाएंगे। कांग्रेस ने अब अडानी समूह की कंपनी और अडानी सीमेंट के हिस्से अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के द्वारा सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने के बाद हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीते महीनों में हमारे द्वारा चलाई गई हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने बताया था कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर डाली गई जाँच एजेंसियों की मोदी मेड रेड के चलते फायदा उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि ताजा मामला अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का है।
जिसकी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी है। 28 अप्रैल 2023 को खबर आई कि भारत की तीसरे सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने वाली है। 21 जून 2023 को इसी कड़ी में खबर आई कि इनकम टैक्स ने श्री सीमेंट से जुड़ी 5 जगहों पर छापेमारी की। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है। फिर 3 अगस्त 2023 को पता चलता है कि अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट से सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। ये पैटर्न दिखाता है कि देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्रों को अमीर बनाने का काम हो रहा है और देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अडानी समूह को सौंपा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक का आयोजन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट संयुक्त रूप से करेंगे। मुंबई में आयोजित हो रही ये बैठक पहली बार किसी ऐसे राज्य में हो रही है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की सरकार नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक बैठक पहले 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी। इसे इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि इन तिथियों को लेकर कई नेताओं ने अपनी व्यस्तताएं जाहिर की थी। ये गठबंधन की तीसरी बैठक है और सूत्रों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले कम से कम 5 से 6 दौर की ऐसी बैठकें होंगी। मुंबई में होने वाली ये बैठक इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें इस इंडिया गठबंधन के किसी संयोजक के नाम का फैसला हो सकता है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार 5 अगस्त को SKM सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 45 पक्के दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए नूह जिले के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने कहा, नलहड मेडिकल रोड पर अवैध कमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं। करीब 45 अवैध दुकानें बनाई गई हैं। अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई की जा रही है। जहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वहां से नलहड शिव मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। सोमवार को धार्मिक यात्रा इसी सड़क से गुजरी थी और यहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। नूह जिले के SDM ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के आदेश पर कार्रवाई की गई है। 2.5 एकड़ में अतिक्रमण था। इसमें 45 पक्के स्ट्रक्चर थे और 15 कच्चे स्ट्रक्चर थे। ये सारे अवैध निर्माण थे। अभी जो दंगे थे उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई। आदेश के मुताबिक इन्हें जमींदोज किया गया है। इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे। एक दिन पहले शुक्रवार को भी स्थानीय प्रशासन ने जिले में अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हिंसा में शामिल लोगों का इलाज किया जाएगा और इस इलाज की एक दवाई बुलडोजर भी है। जम्मू कश्मीर में शनिवार 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगांठ है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती की जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेमिनार आयोजित करने की इजाज़त मांगी थी लेकिन प्रशासन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा है कि मुझे आज अन्य वरिष्ठ PDP नेताओं के साथ नज़रबंद कर दिया गया है। ये आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है जहां मेरी पार्टी के कई लोगों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति के बारे में भारत सरकार के झूठे दावे उसके कारनामों से उजागर हो गए हैं। महबूबा ने कहा, एक तरफ पूरे श्रीनगर में कश्मीरियों से अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जबकि लोगों की वास्तविक भावना का गला घोटने के लिए क्रूर बल का प्रयोग किया जा रहा है। आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में इन घटनाक्रमों पर संज्ञान लेगा जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शनिवार 5 अगस्त को सुबह ताजा हिंसा में पिता पुत्र सहित 3 निहत्थे ग्रामीण मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने देर रात करीब 2 बजे विष्णुपुर के क्वाक्टा के पास उखा तंपक गांव पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 व्यक्ति, पिता पुत्र और बगल के घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वो निहत्थे ग्रामीण थे जो अपने घरों की रखवाली कर रहे थे। पुलिस ने सोमवार सुबह बताया कि तीनों को सोते समय गोलियों में से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट डाला गया। उन्होंने बताया कि हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है क्योंकि हमलावर पहाड़ियों और घाटियों के बीच बफर जोन से तोड़कर गांव में पहुंचे थे। बफर जोन में हर समय केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर में हमारे 3 सिपाहियों को
पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया है, क्यों हंगामा नहीं हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। ओवैसी ने कहा कि हमारे 3 सिपाहियों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया और आप अहमदाबाद में विश्व कप खेलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ मैच खेल लिया, आज भी वही कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेलने जा रहे हैं। पीटीआई के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ दायर एक शिकायत पर 10 मई को इमरान खान को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। पीटीआई ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का ऐलान कर दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।